नमस्कार, एनसीआर टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। तो पहली खबर के साथ ले चलते हैं आपको बल्लभगढ़ के विधायक और स्थानीय पार्षद के प्रयासों के चलते वार्ड नंबर 40 के लक्ष्मण कॉलोनी में 40 सालों पुरानी खतरे की तलवार अब लोगों के सरों से हट गई है। दरअसल करीब 3 दशक पहले बसी इस कॉलोनी में घरों के ऊपर से बेहद नीची बिजली की हाई टेंशन तारें गुजर रही थी, जिनके चलते यहां हमेशा ही हादसे होने का अंदेशा बना रहता था। लेकिन कई शिकायतों के बावजूद स्थानीय लोगों की इस जानलेवा समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब इस समस्या के समाधान होने के बाद यहां के बाशिंदों ने न केवल राहत की सांस ली है, बल्कि वे इस काम के लिए स्थानीय पार्षद और विधायक का आभार व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमें बेहद खुशी है कि वे अपने वादे के मुताबिक लोगों की दशकों पुरानी समस्या का समाधान करा पाए हैं। ये बहुत पुरानी समस्या थी बिजली की, जालन से कॉलोनी बसी है, तारन के नीचे बसी थी, इनसे अनेक हुए थे। स्टूडेंट कई लड़कान के शॉट लगी थी। जब मैं पार्षद की वोट मांगने आया तो यहाँ के लोगों ने मेरे से प्रार्थना करी कि भाई आप इलेक्शन जीत जाओ तो हमारा एक काम है, ये आपको करवाना है। मैंने वारदात किया था और विधायक जी का आशीर्वाद से आज ये काम जो घर के ऊपर का लाइन 11,000 की जा रही है, उनकी जगह हम एक 8 लट्टा से इस गली में सारे गली में केबल लगा रहे हैं। बहुत करंट मार दे जी, ट्रेन ने मार दिया करंट। कितनी नीचे है तारे? ये बहुत नीचे है जी, ये तो अरे परे जी, दो हाथ बिना है, दो हाथ बिना, दो हाथ 6 इंच भी ऊपर ना, देख लो जी अरे परे। तो कभी हादसा भी हुआ था यहाँ? हुआ जी। क्या हुआ था? ये छोरा टरेंट मार दे, ये वार डान आया है, वाह है टेंट जब मार दे और ये जा है मार दे बरबीर है। तो साथ ही बल्लभगढ़ में गैंगरेप मामले के बाद एक और नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। जी हाँ, 4 दिन तक रेप करने के बाद बच्ची को आरोपी युवक की मां ने पड़ोसी के घर पहुंचाया। पड़ोस की 2 महिलाओं ने वेश्यावृत्ति के धंधे के लिए पहले अपहरण किया था। नाबालिग बच्ची के परिजनों ने महिला थाना बल्लभगढ़ में शिकायत दी और साथ पुलिस ने मामले पर चुप्पी साध रखी है। तो वहीं फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने भी मामले पर कुछ नहीं बोले। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार का पुलिस पर आरोप है कि 2 महिलाओं को गिरफ्तार करने के बाद उनको रात को ही छोड़ दिया गया। संगीता और लवली नाम की एक औरत है और उनके साथ उनकी बेटी है। उन्होंने 3-4 दिन तक अपने घर में मुझे रखा, डराया, धमकाया, मारपीट की। और यही नहीं, उसके 3-4 दिन बाद ही, जब 4 दिन हो गए, इन्होंने मुझे अरमान नाम के लड़के के साथ मुझे भेज दिया शारीरिक संबंध बनाने के लिए। जी। जैसे हम जा रहे थे तो उसने स्कूटी एकदम तेज भगा दी थी, तो मैंने उसे जब कहा कि मंदी कर ले तो उसने मेरी सुनी नहीं। मैंने कहा पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। स्कूटी स्लिप हो गई, मैं गिर गई, मुझे चोट लग गई, उसके भी चोट लग गई थी। चोट लगने के बाद इसने मुझे देखा कि मेरी हालत सीरियस है, पर तब भी उसकी हवस नहीं बुझी। तब भी वो मुझे बीके ले गया, बीके ले जा के उसने मुझे कोई इलाज करवाया, उल्टा सीधा MRI कटी, लेकिन वो उसे छोड़ के भाग आया। नीलम है और उसकी मम्मी थी। उन्होंने बहकाया था आपकी बेटी? किसको बहका के किसके पास भेज दिया था? वो उनके घर पे ही रही थी वो। अच्छा, ये बता रहे हैं कि उन्होंने किडनैप भी करके रखा था? हाँ रखा था। कितने दिन? 4-5 दिन।